अपने एक फैन का तोहफा देखकर आखिर क्यों हुई इमोशनल रुबीना दिलै? जी हाँ, क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूज। फैंस की दीवानगी की अगर बात की जाए तो वो हद पार होती है। फैंस कोई भी हद नहीं जानते। जब भी वो किसी को पसंद करते हैं, दिल से पसंद करते हैं, तो उसके लिए पूरी मेहनत करते हैं कि कैसे कैसे करके वो स्पेशल फील करवाएं अपने फेवरेट को। कुछ ऐसा ही किया है एक रुबीना दिलै के फैन ने, एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो में जो जो लाइंस बोले हैं अगर आप सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप भी इमोशनल पड़ जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी, रुबीना दिलै ने खुद वो वीडियो को अपने इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया है और शेयर करके लिखा है स्पीचलेस। जी हाँ, रुबीना दिलै के पास कोई शब्द नहीं है इस वीडियो को बयां करने के लिए कि उन्हें वो वीडियो कितना अच्छा लगा, कितना इमोशनल लगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, इस वीडियो में देखा जाए तो पूरी तरीके से रुबीना की जर्नी को एकदम बारीकी से समझ बूझ कर एक अच्छी अच्छी लाइंस बनाई गई है। मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे लिखा है, कोशिशों के बाद भी जिसे झुका ना पाए, सोचो वो कैसी चट्टान है। फिर लिखते हैं, शेरनी की दहाड़ वाली रुबीना, आप हमारी पहचान है। अपने से पहले दूसरों का सोचना, कैसे कोई इन्हें कठोर दिल का कह सकता है। फिर ये भी कहते हैं कि करीब से जानने का आपको मौका मिला, यही हमारी खुशनसीबी है। और फिर लिखते हैं कि घमंड, हमने देखा कि बिग बॉस के घर में बहुत बार उन्हें कहा गया घमंडी है, घमंडी है, घमंडी है, तो इस पर भी फैन ने जो लाइन बोली है कि उनका घमंड नहीं, उनका वो अभिमान है। फिर एक और लाइन बोली है जो बहुत ही अच्छी लगी है, जिसको आपने कहा था समान, उस पे क्या बीती होगी जिसकी वो समान ही है पहचान। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे इमोशनल लाइंस लिखे हैं जो आप सुनकर जरूर इमोशनल हो जाएंगे। और आप, मैं चाहूंगी कि आप जरूर रुबीना दिलै की स्टोरी पर जाएं और ये वीडियो जरूर से जरूर देखें। अगर आप रुबीना दिलै के सच्चे फैन हैं तो जाइए देखिए, और आपको कैसा लगा है वो वीडियो जरूर हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और फैंस की दीवानगी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे वो भी हमें बताना ना भूलिए। और देखते रहिए फीफा फूज इसी तरीके की खबरों के लिए।